बाढ़ प्रभावित गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। जिले के 83 बाढ़ चौकियों पर मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ देकर तमाम बीमारी से बचने के लिए उपाय भी बता रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि 20 मोबाइल टीम लगाई गई है जो कि घर घर दवाइयों का वितरण करा रही है, और जो गांव चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं उस गांव में जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस और सर्दी जुखाम बुखार की दवाइयां बांटी जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग से कितनी टीमें लगाई गई हैं और किस तरह का दवाओं का वितरण किया जा रहा है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हम ज़्यादातर हमारे सभी CSCs इन्वॉल्व हो गई हैं। बाढ़ प्रभावित में सभी अधीक्षक जो हैं अपनी टीमें तैयार कर रखे हैं। कुछ स्टैटिक टीमें हैं, रुकी हुई जो एक तरह स्थिर टीमें रहती हैं, जो जहां भी बाढ़ चौकियां हैं, 83 बाढ़ चौकियां हैं, उन जगहों पर हमारी एक मेडिकल अफसर और एक स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है। वो वहाँ पर बैठ करके लोगों का निदान कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं और कामन बीमारियों से बचने के लिए उनको उपाय दे रहे हैं। कुछ टीमें हमारी मोबाइल हैं, 20 टीमें हमारी मोबाइल हैं, जो नाव पर बैठ करके या घर घर घूम घूम करके दवाइयाँ वितरित कर रही हैं। और साथ साथ में जो गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उसी गांव में जा करके कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हमारी टीमें सब गाँव में घूम रही हैं। काफ़ी मात्रा में लोगों को सुविधाएँ दी जा रही हैं, क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं, ORS पैकेट बांटे जा रहे हैं, लूज मोशन की सर्दी जुकाम की दवाइयां हमारी टीम दे रही है।